अस्सलाम वालेकुम। AI इन डाटा साइंस के लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने डाटा साइंस की डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, और हमने कुछ टेक्निकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इंटरप्रेटर, पाइचार्म और एनाकोंडा को भी डिस्कस किया था, और हमने इनकी इंस्टॉलेशन भी देखी थी। हमने देखा था कि किस तरह से हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, और पाइथन बेसिकली एक हमारे पास इंटरप्रेटर होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारी पाइथन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसके बाद हमने पाइचार्म की इंस्टॉलेशन देखी थी, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि पाइचार्म की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एक सिंपल सॉफ्टवेयर की तरह भी इसको इंस्टॉल करें तो जस्ट आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और नेक्स्ट करते जाना है, तो आपका ये पाइचार्म इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन है। एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन को अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो जब हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में एनाकोंडा पर जाएंगे तो वहाँ जाकर हम इसकी इंस्टॉलेशन को भी डिस्कस कर लेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि एनाकोंडा किस लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट क्लास में मैंने इसकी थोड़ी सी आप लोगों को इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि एनाकोंडा क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सटेंसिवली डिस्कशन के लिए और इसके प्रैक्टिकल यूज़ के लिए जब हम इसकी आगे फर्दर एप्लीकेशन पर जाएंगे और एनाकोंडा को यूज़ करना सीखेंगे तो वहाँ पर ये तमाम डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे पास ये तीन सॉफ्टवेयर से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तीन सॉफ्टवेयर्स लास्ट क्लास में आपको दिखाए गए थे, जिस तरह से एक पाइथन है, एक हमारे पास पाइचार्म है और एक एनाकोंडा है। तो मैं पाइथन को इंस्टॉल कर चुका हूँ और पाइचार्म को इंस्टॉल कर चुका हूँ। अच्छा, जब हमने पाइथन और पाइचार्म को इंस्टॉल कर लिया तो अब हमने इसकी एक वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। तो इसको चेक करने के लिए कि क्या पाइथन हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल है, मैं सबसे पहले cmd के ऊपर जाऊंगा। अपने सर्च बार में जाके मैं सबसे पहले टाइप करूंगा cmd, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट का एक एब्रिवेशन है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो जैसे ही cmd पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ब्लैक स्क्रीन, जो कि मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने सिंपली जाकर टाइप करना है पाइथन और एंटर कर देना है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अगर मेरे पास इस तरह से पाइथन का वर्जन आ जाता है कि पाइथन 3.12.4, इसका मतलब है कि मेरा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। और अगर इस तरह से नहीं आता या कोई और मैसेज मेरे पास आता है कि पाइथन कमांड डज नॉट रिकग्नाइज, तो इट मीन्स कि पाइथन मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ये पाइथन को चेक करने का तरीका होता है कि क्या पाइथन का इंटरप्रेटर आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो ये तो हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन की को चेक करना देख लिया कि अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया या नहीं तो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हमने देखना है कि हमारा पाइचार्म इंस्टॉल हो चुका है या नहीं तो वो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं, हम सर्च बार में जाके यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिखेंगे और कंट्रोल पैनल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर जाकर प्रोग्राम्स की ऑप्शन में जो एक ऑप्शन आ रही है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लिक करने से मेरे पास यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स में हमने चेक करना है कि क्या कोई सॉफ्टवेयर पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन के नाम से है। तो मुझे यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है जिसे आप देख सकते हैं, ये पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन 2023। तो अगर तो ये सॉफ्टवेयर इस लिस्ट में आ रहा है पाइचार्म कम्युनिटी, इट मीन्स हमारा पाइचार्म कम्युनिटी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अगर तो वो सॉफ्टवेयर इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब कि हमारा पाइचार्म कम्युनिटी इंस्टॉल नहीं हुआ, किसी भी वजह से उसकी इंस्टॉलेशन स्टॉप हो गई है या उसकी इंस्टॉलेशन किसी भी वजह से हमारे पास रिजेक्ट हो गई है, तो हमें उसे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे पास दोनों सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हैं। अब हम सबसे पहले अपना एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना देखते हैं और हम ये देखेंगे किस तरह से हम अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड पाइथन के थ्रू लिखकर उसको रन करेंगे और रन करने के बाद हम उसका आउटपुट देखेंगे। तो हमारे इस AI इन डाटा साइंस के कोर्स में जहाँ AI और डाटा साइंस की इंट्रोडक्शन की बात थी, वहाँ हमने ये भी देखा था कि AI और डाटा साइंस में काम करने के लिए, उसके एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक बहुत एक्सटेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, दैट इज़ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब आने वाली आज से जो डिफरेंट क्लासेस होंगी, नेक्स्ट क्लासेस 5 to 6 क्लासेस के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, हम लूप्स को डिस्कस करेंगे, फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं
और कौन कौन से सिंटैक्स हैं हम उनको देखेंगे। उसके बाद जब पाइथन लैंग्वेज में हमारी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, उसके बाद हम डाटा साइंस एआई के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरीज हैं या जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके ऊपर भी एक्सटेंसिवली काम करना सीखेंगे। तो ये हमारे कोर्स का फ्लो होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे, दैट विल बी द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन में बाकी तमाम चीज़ों को क्लोज कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो भी टैब्स वगैरह ओपन थे मैं सबको क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ जाकर मैं सर्च बार में, जो हमारी विंडो की सर्च बार होती है, यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा PyCharm। जैसे ही मैं PyCharm टाइप करूँगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, PyCharm कम्युनिटी एडिशन 2023। मैं इस कम्युनिटी एडिशन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये मेरे पास इस तरह से लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज स्टार्टिंग में ये आईडी अपने तमाम एनवायरनमेंट्स को रेडी करने के लिए, अपने कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए और अपनी लोडिंग के लिए कुछ टाइम रिक्वायर करता है। तो आप लोगों ने भी तब तक वेट करना है जब तक कि ये कम्प्लीटली स्टार्ट ना हो जाए। तो जैसे ही आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास एक डिफरेंट तरह की स्क्रीन आएगी। मेरे पास यहाँ पर इस तरह की एक स्क्रीन आ रही है, ठीक है। मे बी आपके पास ये स्क्रीन ना आए, आपके पास एक डिफरेंट तरह की स्क्रीन आए, तो आपके पास वो जो भी स्क्रीन आएगी आपने उस स्क्रीन में एक ऑप्शन होगा न्यू प्रोजेक्ट का, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने चूंकि PyCharm पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और मैं इस पर काम भी करता रहा हूँ, तो लिहाजा मेरे पास जो मेरा लास्ट रिटर्न कोड है उसकी स्क्रीन मेरे पास यहाँ पर शो हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आपके पास इस तरह की स्क्रीन तो नहीं आएगी, आपके पास एक सिंपल ब्लैक स्क्रीन आएगी जिसपे आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होंगी। उनमें से एक ऑप्शन आपने याद रखनी है, दैट इज द न्यू प्रोजेक्ट, उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। मेरे पास वो ऑप्शन कहाँ है, मेरे पास वो ऑप्शन यहाँ फाइल में जाके यहाँ इस ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आती है न्यू प्रोजेक्ट की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप भी जब अपने न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास भी एक न्यू विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस विंडो के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि हमने अंडरस्टैंड करनी है कि क्या चीज़ होता है। सबसे पहले तो हमने पाइथन के अंदर कोई भी काम करना है या PyCharm में कोई भी काम करना है तो हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसके अंदर हमारी तमाम तर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स उस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज होते हैं, और उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने पाइथन का इंटरप्रेटर भी उसके साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट है, सबसे पहले मुझे उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज AI डाटा साइंस, ये मैं अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये लोकेशन मुझे बता रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट्स कहाँ पर सेव हो रहे होंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास सी के अंदर यूजर्स में जाकर, और हमारे जो एक नाम का फोल्डर होता है पब्लिक के अलावा, पब्लिक के अलावा हमारे किसी भी नाम का फोल्डर होता है। जैसे मेरे कंप्यूटर में कामरान नाम से एक फोल्डर है, आपके कंप्यूटर में आपके अपने नाम से एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में वो सारे के सारे PyCharm के प्रोजेक्ट्स के अंदर वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सेव हो रहे होते हैं। तो आपने इस लोकेशन को बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है। अगर आप अपना पाइथन का प्रोजेक्ट या PyCharm का प्रोजेक्ट कहीं और सेव करना चाहते हैं तो आप यहां से जाके इसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं कि आप इसे कहां पे जाके सेव करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगी कि अगर आपने अपने कोड को गिटहब रेपोजिटरी पे पुश करना है या इससे रिलेटेड कोई गिटहब रेपोजिटरी बनानी है इस प्रोजेक्ट की तो वो भी आप बना सकते हैं। आपने कोई मेन PY का स्क्रिप्ट बनाना है वेलकम स्क्रिप्ट के, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ऑन हो तो सबसे पहले एक सामने एक स्क्रिप्ट ओपन आए तो आप उस स्क्रिप्ट को चलाएं तो सबसे पहले एक वेलकम स्क्रीन आपके सामने आए, तो वो भी आप बना सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इन दोनों ऑप्शन को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ही आगे कुछ इंटरप्रेटर की सेटिंग्स है जिसमें पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट है, बेस कोंडा का इन्वायरमेंट है, कस्टम वर्चुअल इन्वायरमेंट है। तो इन तीनों ऑप्शंस को हम एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे जब हम एनाकोंडा के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को देखेंगे। एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन जब हम करेंगे उसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को देखेंगे तो वहां जाकर हम इन तीनों ऑप्शंस को बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट की ऑप्शन है और जो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुई भी है पाइथन VENV, यानी हमारे पास इस प्रोजेक्ट का जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है आपने इसी को ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है, आपने इस ऑप्शन को चेंज नहीं करना। आगे जाके हम अपने कस्टम इन्वायरमेंट्स भी बनाएंगे और बेस कोंडा के इन्वायरमेंट भी हम यूज करेंगे।
उसके बाद अगर आपने पाइथन 3.12 इंस्टॉल किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका पाइथन 3.12.1 या 4 जो भी आपने इंस्टॉल किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो पाइथन का डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो यहाँ से मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा सिलेक्ट हो जाएगा या ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर ये डिटेक्ट नहीं करता तो आप इस ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप उसका एक स्पेसिफिक वर्जन जो कि आपने पाइथन का इंस्टॉल किया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना और यहाँ पर पाइथन का वर्जन अटैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो ऑप्शन है जो कि हमने स्टडी की थी कि हम अपने पाइचाम के प्रोजेक्ट के साथ अपने पाइथन के कोड के साथ अपने पाइथन इंटरप्रेटर को अटैच करते हैं ताकि हम जब भी कोई पाइथन का कोड लिखें तो वो कोड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा दे कि हमारी इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है। तो ये ऑप्शन बेसिकली इस काम के लिए होता है। जब ये सारी ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट का, हम इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ दिस विंडो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करेगा, कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेगा और मेरे पास एक फुल फ्लेज न्यू प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं जब तक कि अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट्स और तमाम तर लाइब्रेरीज और प्रोजेक्ट्स को रेडी नहीं कर लेता। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अच्छा, आपके सामने एक न्यू होम स्क्रीन इस तरह से आ रही होगी और एक प्रोजेक्ट आपके सामने बन गया होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पर ना इसकी थीम्स की ऑप्शन भी है। तो मैंने ये पहले से अब एक लाइट थीम यूज कर रहा हूँ। जब आप पाइचाम को यूज करेंगे तो वहां पर आपके पास इस तरह का एक डार्क थीम होगा जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। तो आप इस तरह से अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको लाइट थीम में भी कर सकते हैं और डार्क थीम में भी यूज कर सकते हैं और आप इसके कस्टम थीम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास पाइचाम यहाँ पर इंस्टॉल हो गया और प्रोजेक्ट भी मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और आप ये देख रहे होंगे कि लास्ट पे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है दैट इज पाइथन 3.12 एआई एंड डाटा साइंस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इस ऑप्शन का यहाँ पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑप्शन आपको ये बता रही है कि आपका ये जो पाइथन 3.12 का इंटरप्रेटर है ये आपके इस कोड प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो गया। अब अगर तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रही, आपका नो इंटरप्रेटर आ रहा है या कुछ और ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब आपका ये पाइथन का इंटरप्रेटर अटैच नहीं हुआ आपके इस प्रोजेक्ट के साथ। जब तक ये अटैच नहीं होगा आपका पाइथन का कोड नहीं चल सकता, ना ही वो ट्रांसलेट होगा और ना ही आप उस पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यहाँ पर आना जरूरी है। अगर आपने वो तमाम स्टेप्स फॉलो किए हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं तो आपका ये ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली स्टार्ट होगा और आपकी ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगी, आपका इंटरप्रेटर अटैच हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो आप यहाँ से क्लिक करके अपने इंटरप्रेटर को यहाँ से अटैच करेंगे ताकि आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो आपके इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो और आपका पाइथन का कोड ट्रांसलेट हो सके और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब उसके बाद हम आते हैं, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब उसके बाद हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं पाइथन की और उसके अंदर हम अपना एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, अपना ये जो प्रोजेक्ट है एआई एंड डाटा साइंस के नाम से, इसमें यहाँ पर हमारे पास एक तो एआई डाटा साइंस के नाम से एक फोल्डर आ रहा है और एक हमारे पास कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का एक फाइल आ रही है, एक हमारे पास स्क्रैचेस एंड कंसोल्स का एक ऑप्शन आ रहा है। तो अभी इन दो ऑप्शंस को अभी फिलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं और ना ही हमने इनसे इतना ज्यादा हमारा कोई वास्ता पड़ेगा। तो हमने जो ज्यादातर काम करना है वो एआई एंड डाटा साइंस का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है फोल्डर, इसी फोल्डर के अंदर करना है। तो सबसे पहले इस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर मेरे पास एक हैंड बर्गर की ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सेकंड ऑप्शन है दैट इज न्यू, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, इनमें से ये फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द पाइथन फाइल, ठीक है। ये इस फिफ्थ ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अब मेरे से ये पूछेगा कि आप इस फाइल का, जो भी आप पाइथन फाइल बनाना चाहते हैं, इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी पाइथन फाइल का कोई ना कोई नाम रख दूंगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका नाम रख रहा हूँ हेलो, और हेलो लिखने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि मेरे पास हेलो नाम की ये पाइथन फाइल बन गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाइथन फाइल मेरे पास बन चुकी है हेलो, hello.py। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी फाइल्स इसकी एक्सटेंशन पाइथन में जो बनाई जाती हैं उनकी दो तरह की एक्सटेंशन होती हैं, एक होती है .py
और एक होती है .ipynb। पाइचार्म के अंदर जितने भी फाइल्स पाइथन की चलती हैं उन तमाम फाइल्स की एक्सटेंशन .py होती है। तो आपकी जितनी भी फाइल्स जो कि पाइचार्म में बनेगी वो .py एक्सटेंशन के साथ होनी चाहिए, देन ही वो कंपाइल होंगी, इंटरप्रेट होंगी और उनका आउटपुट आएगा। अगर कोई ऐसी फाइल है जिसमें आपने कोड लिखा हुआ है और उसकी एक्सटेंशन .py उसके नाम के बाद .py नहीं आ रहा, तो फिर आप उस फाइल को रन नहीं कर सकते और ना ही आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा अभी तक जितने भी फाइल्स थी क्लियर हो गई, मैंने इंस्टॉलेशन कर ली, मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, अपनी न्यू फाइल बना ली। अब मैं अपना पाइथन का फर्स्ट लाइन ऑफ कोड यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन ऑफ कोड के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट टाइप करता हूँ पाइथन में। प्रिंट स्टेटमेंट ये आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में पहले भी स्टडी की होगी, C++ में भी होती है, ये हमारे पास C में भी होती है, जावा में भी होती है, लेकिन डिफरेंट सिंटैक्स के साथ होती है। C++ में सी आउट के साथ हुआ करता है, ये हमारे पास सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ के साथ होता है और जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के नाम से होता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट ये वही स्टेटमेंट है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होती है, और इस स्टेटमेंट का मकसद ही होता है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा, जो कुछ भी मैसेज दिया जाएगा, वो मैसेज हमारी आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, उसके बाद मैंने डबल ब्रैकेट्स लगाई, डबल ब्रैकेट्स के बाद मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स ओपन किए। मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स भी लगा सकता हूँ, डबल कोट्स भी लगा सकता हूँ। दूसरी लैंग्वेजेस में सिर्फ डबल कोट्स हुआ करते हैं, पाइथन के अंदर हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है कि हम अपने स्ट्रिंग को लिखने के लिए, अपने टेक्स्ट मैसेज को लिखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट में सिंगल कोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डबल कोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट मैसेज लिख दिया, दैट इज हेलो वर्ल्ड, और उसको मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट को यूज करते हुए और डबल कोट्स और सिंगल कोट्स को यूज करते हुए रैप कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हमने रन करना है ताकि हम इसका आउटपुट देख सकें। अब इसको रन करने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका जिसको मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो ये कि आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है, दैट इज रन हेलो। ये आपको एक ऑप्शन आएगी रन हेलो, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टर्मिनल ओपन होगा और इस टर्मिनल के ऊपर आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा था, इसका आउटपुट यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर आ गया। ये एक तरीका है इस पाइथन स्टेटमेंट को रन करने का। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर एक बटन आ रहा है रन का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने से भी आपका प्रोग्राम क्या होगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका है, आपके पास शॉर्टकट की है Shift F10, आप Shift F10 प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जिस फाइल को रन करना चाहते हैं उस फाइल पे आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आप रन की ऑप्शन पे क्लिक करें। इससे होगा ये कि आपकी वही फाइल रन होगी जिस फाइल को आप रन करना चाह रहे हैं, आपकी कोई दूसरी फाइल बाय डिफॉल्ट रनिंग के एनवायरनमेंट से निकल जाएगी, वो नहीं रन होगी। तो ये आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जब आपके पास कोई मल्टीपल फाइल्स हो, आप उनको रन कर रहे हो और आपके पास इस तरह इशू आ रहे हो कि आपकी पुरानी फाइल ही बार बार रन हो रही हो और न्यू फाइल जिसको आप रन करना चाहते हैं वो ना रन हो रही हो, तो उसका सबसे बेहतरीन सलूशन ये है कि जिस फाइल को आप रन करना चाहते हैं आप उस पर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद रन के बटन पे क्लिक करें तो आपकी एग्जैक्ट वही फाइल रन होगी जिसको आप रन करना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। अच्छा, अब हमने एक पाइथन का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देख लिया और हमने पाइथन लैंग्वेज के बारे में भी समझ लिया कि पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन के इंटरप्रेटर के बारे में भी देख लिया, हमने पाइचार्म को भी डिस्कस कर लिया, हमने एनाकोंडा को भी डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा कोर्स का फ्लो होगा, जो नेक्स्ट 5 to 6 क्लासेस होंगी, उसमें हम पाइथन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स क्या होते हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, पाइथन के अंदर लूप्स कैसे लगाते हैं, फंक्शंस कैसे यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग क्या कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम जो पाइथन के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है टॉपिक्स यूज हो रहे होते हैं या तमाम तर चीज़ें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होती हैं उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ तक मैं अपने इस पाइचार्म को क्लोज करता हूँ और उसके बाद मैं स्लाइड्स पे आता हूँ, और स्लाइड्स पर आकर पाइथन के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ सर मैं शुरू होता हूँ, और फिर हम एक एक करके पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को 1 by 1 स्टडी करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और कोडिंग के थ्रू हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो भी हम कंटेंट पढ़ेंगे उसका एक प्रैक्टिकल कोड करके देखेंगे, देन उसका आउटपुट देखेंगे, ताकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होता रहे। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक गिटहब के ऊपर एक पूरी की पूरी रेपोजिटरी बना के रखी हुई है, जहाँ पर पाइथन का कंप्लीट कोड लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक कंप्लीट पाइथन बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करवाई गई है, और वो आप लोगों के साथ मैंने पब्लिकली शेयर की हुई है। तो अगर आप किसी भी टाइम जो भी कोड क्लास में करवाया जा रहा है या जो भी कोड लेक्चर के दौरान हो रहा है, आप किसी भी टाइम उस कोड को देखना चाहते हैं या आप उस कोड से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आप उस कोड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उस गिटहब पे जाके वहाँ से वो कोड उठा सकते हैं, उस पूरी की पूरी रेपोजिटरी को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हैं और फिर आप अपने कंप्यूटर पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इस चीज़ की लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि क्लास में जो कोड हो रहा है वो कोड हम किस तरह से हासिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक गिटहब का लिंक बता देता हूँ जिसके ऊपर लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक तमाम तर पाइथन के कंसेप्ट कोडिंग एग्जाम्पल के साथ मौजूद हैं। तो गिटहब के लिए ये वाली गिटहब है, जो कि अगर आप गिटहब पे लिखें github/kamran-it009 तो आपके पास ये गिटहब का लिंक ओपन हो जाएगा। और इस गिटहब के लिंक को YouTube की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर रेपोजिटरीज में अगर आप जाएं तो रेपोजिटरीज में आपके पास किक्स AI कोर्स के नाम से एक रेपोजिटरी होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के पाइथन के कंटेंट हैं, टॉपिक्स हैं, और लेसन वाइज 1 by 1 इनको यहाँ पर तरतीब दिया गया। यानी लेसन 1 में हम प्रिंट स्टेटमेंट को देखेंगे जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, उसके बाद लेसन 2 में वेरिएबल्स हैं, फिर 3 में ऑपरेटर्स हैं, देन टाइप कास्टिंग, देन ये पाइथन के सारे हमारे पास लेसन बाय लेसन ये सारे कोड एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम लेसन 1 पे क्लिक करेंगे। तो लेसन 1 में आप देखेंगे कि मैंने ये दो फाइल्स रखी हुई हैं यहाँ पर, एक प्रिंट स्टेटमेंट से रिलेटेड है और एक हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग का कंसेप्ट है। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगा क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रिंट स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का कोड आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है जो भी हमने लिखा था प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हुए, और हमने उसके अंदर जिस तरह हेलो वर्ल्ड लिखा था यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज आवर सेकेंड क्लास ऑफ बैच 13। आप इसकी जगह कोई भी मैसेज लिख सकते हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। देन फिर आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट से रिलेटेड ही है, कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारे पास आउटपुट की स्क्रीन में आ गया है। अगर हम यहाँ पर मल्टीपल मैसेजेस लिखना चाहते हैं यानी मल्टीपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स लिखना चाहते हैं, तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा है, दूसरे मैसेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही ब्रैकेट्स के अंदर एक कोमा लगाऊंगा, देन फिर आगे एक सिंगल कोट्स ओपनिंग और क्लोजिंग कोट्स लगाऊंगा, और उसके अंदर मैं अपना नेक्स्ट मैसेज लिख दूंगा। नेक्स्ट मैसेज मैं इस तरह से लिखता हूँ हाउ आर यू, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेक्स्ट मैसेज लिख दिया। उसके बाद अगर मैं तीसरा मैसेज यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो वो भी मैं इसके आगे लिख दूंगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हु आर यू, ये मैंने इस तरह से इसमें तीसरा मैसेज लिख दिया। तो इस तरह से मल्टीपल मैसेजेस मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब इसको मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे ये तीनों के तीनों मैसेजेस स्पेस के साथ सेपरेट होकर मेरे पास आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास तीनों के तीनों मैसेजेस स्पेस के साथ सेपरेट होकर आ गए, हेलो वर्ल्ड आ गया, देन मेरा फिर नेक्स्ट मैसेज आ गया हाउ आर यू, देन मेरा फिर थर्ड मैसेज आ गया दैट इज हु आर यू। तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो यूज कर रहे होते हैं वो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा तीसरा ऑब्जेक्ट, ये जितने भी हमारे टेक्स्ट मैसेजेस हैं ये सारे के सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, आगे जाके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं इनको पाइथन में। तो ये जो हमारे जितने भी मैसेजेस हैं सिंगल या डबल कोट्स में ये सारे इस तरह से स्पेस सेपरेशन के साथ आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक तो हमने इसकी बात कर ली। अब हमने देखा कि जितने भी मैसेजेस हैं ये स्पेस के साथ सेपरेट होके आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनके दरमियान ये जो मैसेजेस हैं 1, 2, 3 ये जितने भी मैसेजेस हैं इनके दरमियान एक सेपरेशन ऑपरेटर आ जाए, यानी हम इनके दरमियान चाहते हैं कि कुछ डैश साइन से सेपरेट कर दिया जाए इन्हें, या हम चाहते हैं कि इनके दरमियान सेपरेशन में एक लाइन आ जाए ताकि हम ये डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये फर्स्ट मैसेज है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है।
अभी तो हमें नहीं पता लग रहा है यहाँ पर कि ये फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट में एक सेपरेटर का पैरामीटर होता है जिसे हम SCP कहते हैं, और इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान सेपरेशन कैसे होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं सिंगल कोट्स में इस तरह 3 डैशेज लगा देता हूँ। अब क्या होगा, मेरे पास इन 3 मैसेजेस के दरमियान जो सेपरेशन होगी वो 3 डैशेज से होगी। तो अब जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी मैसेजेस हैं, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू और हु आर यू, इनके दरमियान सेपरेशन हुई है और वो 3 डैशेज से सेपरेशन हुई है जिस तरह से मैंने यहाँ पर यूज किया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हम अपने लास्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और इस प्रिंट स्टेटमेंट को ही मैं बार बार कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, एंड देन इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लिया और इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिख लिया, 3 टाइम्स लिख लिया। मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स इस प्रिंट स्टेटमेंट को लिख लिया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो फर्स्ट लाइन है उसका जो मैसेज है वो मेरे पास फर्स्ट लाइन पे आएगा आउटपुट में, सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट का मैसेज आउटपुट की सेकंड लाइन पे आएगा और थर्ड वाले का थर्ड लाइन पे आएगा। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जब भी एक प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आता है तो लास्ट पर एक लाइन आउटपुट के अंदर छोड़कर निचली वाली लाइन के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीज अगर हमने खुद से स्पेसिफाई करनी हो, अगर हम चाहते हैं कि हर प्रिंट स्टेटमेंट के एंड पर नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट ना हो बल्कि जो हमारा कंट्रोल है वो उसी लाइन पर रहे, या हर प्रिंट स्टेटमेंट के लास्ट पे नेक्स्ट लाइन आने की बजाय कोई स्पेस आ जाए, या कोई भी चीज जो हम चाहते हैं वो आ जाए नेक्स्ट लाइन पर इसे शिफ्ट ना करे, तो ये भी हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक एंड ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर ये स्पेसिफाई करता है कि हर प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आने के बाद उसके एंड पर क्या चीज स्पेसिफाई होनी चाहिए, क्या चीज आउटपुट में आनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट आउटपुट में नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास एक स्टेटमेंट के बाद जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है उसके बाद आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे ना जाए बल्कि उसके एंड पर एक इस तरह पाइप साइन आ जाए। तो ये पाइप साइन मैं अब तीनों प्रिंट स्टेटमेंट के साथ क्या करता हूँ, इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैंने इसके साथ भी इस्तेमाल कर लिया और इसके साथ भी इस्तेमाल कर लिया, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट लाइन्स में नहीं आ रहा, अब ये एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट कंटेंट हम अगली क्लास में कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।